हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने ही वैके यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड ओमैन वर्सेस न्यूजीलैंड ओमैन के बीच में खेला जाएगा फर्स्ट ओडीआई मुकाबला, उसको लेकर दोस्तों हम लोग कंप्लीट बात कर लेंगे। और रिसेंटली कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था दोस्तों, उसका बस एक ही रीज़न था कि मैं मतलब उस लेवल पे नहीं था कि समझो कि मैं उतना फ्री नहीं था कि आप लोगों के लिए वीडियो मैं रेगुलर बना पाता। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं डायरेक्ट आप लोग को टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवाता था, ठीक है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों IPL से पहले ये मेरी समझो कि एक स्टार्टअप है कि मैं वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को बना कर देता रहूँ अब, ठीक है। तो अभी मैं इसको लेके बात कर लूँगा ओमैन मैच की। फिर दोस्तों अब देखेंगे इसके बाद जो आप लोगों को मालूम ही होगा कि बैजूस बंगाल T20 चैलेंज मेरा वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट पिछले ईयर था, इस साल मैं कवर नहीं कर रहा हूँ बस टाइम की वजह से। जैसे दोस्तों मैं फ्री होता हूँ मैं देखूंगा लोकल टूर्नामेंट को भी। आगे IPL का मैं दोस्तों मोस्ट मैच का वीडियो देने का कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि लास्ट के जो दो तीन मैच में दोनों टीम में उसमें दोनों टीम ने कैसा प्रदर्शन किया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे विनिंग परसेंटेज की, जो मेरी सबसे बड़ी हथियार होती है किसके लिए, वैसे मिनी GL और GL के लिए। तो अगर विनिंग परसेंटेज की बात कर लो तो यहाँ से मुझे इंग्लैंड ओमैन के विनिंग चांसेस लग रहे हैं तकरीबन 75% के आसपास। वहीं दोस्तों अगर हम न्यूजीलैंड ओमैन की बात कर ले तो इसके विनिंग चांसेस तकरीबन 25% के आसपास है। इसके पास कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो अगर चल पड़े तो इसके लिए दिन बना देंगे, जैसे कि दोस्तों होंगे सेथर वाइट, उसके अलावा बात कर लेंगे यहाँ पे सोफिया डिवेन, सुजी वेट्स। और ODI में दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखना हेले जैनसन भी एक अच्छी पिक बन जाती है, बॉलिंग में लीग कैश ब्रेक इनके लिए अच्छी पिक बन सकती है। आइए हम लोग देख लेते हैं लास्ट के तीन मैच का प्रदर्शन दोनों टीम का आमने सामने जब हुआ था, फिर हम देखेंगे अपना ड्रीम इलेवन का टीम। बाकी दोस्तों आप लोगों को प्यार बनाने के लिए तहे दिल से थैंक यू। आप लोगों ने बहुत सारा मैसेज भी किया था कि राजा भाई वीडियो बनाओ, तो फाइनली मैंने सोचा कि IPL से पहले चलो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं फिर से। यहाँ पे दोस्तों बैटिंग अब बात कर लेंगे तो लास्ट के 10 मैच में टेमी बेमोंड का आप एवरेज देखिए 77 का एवरेज अप्रॉक्सीमेट। फिर नटालिस कीवर का देखिए 57 का एवरेज। एक जो प्लेयर मुझे न्यूजीलैंड ओमैन की तरफ से हमेशा से अच्छा लगा है दोस्तों, अगर इसका आप डोमेस्टिक स्टेट्स निकालोगे ना ब्रूक हैलीडे का, तो आप भी प्रभावित हो जाओगे इनसे। इसके ये डोमेस्टिक में 6-7-8 ओवर की गेंदबाजी भी करती है, यहाँ पे शायद ये गेंदबाजी करे कि ना ये कहना बहुत ही टफ हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा हम बात कर लेंगे सेथर वाइट की, तो इसका एवरेज जो है 38 के आसपास है। बाकी सोफिया डिवेन और यहाँ से सुजी वेट्स भी इनके लिए अच्छे पिक बन जाएंगे। बाकी मैडी ग्रीन भी आजकल अच्छी खेल रही है। बात करेंगे दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन में तो कैटे क्रॉस का दोस्तों इंडिया के साथ जो सीरीज हुआ था वहाँ पे आप लोग को याद ही होगा इनका परफॉर्मेंस, जब भी इनको विकेट चाहिए तो न्यूजीलैंड ओमैन कैटे क्रॉस को लेकर आती थी गेंदबाजी में और ये विकेट निकाल के देती थी। इसके अलावा सोफिया एक्लिस्टोन 10 मैच में 14 विकेट, साथ में आप इनसे बल्लेबाजी में भी थोड़ा बहुत उम्मीद लगा के चल सकते हो। लीग एस्पेरस लास्ट के 3 मैच में 10 विकेट, जिसकर लास्ट के 6 मैच में 6 विकेट। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं लास्ट 3 मैच जब दोनों टीम आमने सामने हुई थी, तो लास्ट 3 मैच में दोस्तों सबसे लास्ट मैच की बात कर लो तो यहाँ पे जो है इंग्लैंड ओमैन को न्यूजीलैंड ओमैन ने फेंटी लगा दी थी। न्यूजीलैंड ओमैन पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे खड़े किए थे 220 रन, जहाँ पे टेमी बेमोंड 88 रन, उसके अलावा डेनियल वाइट एक बात कर लेंगे, हैदर नेट का 60। सबसे बड़ी जो झटका लगा है ना न्यूजीलैंड को वो एमी लैकर मिस दौड़ रहे, तो दोस्तों इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा। अगर वो खेलती तो शायद यहां से न्यूजीलैंड ओमैन और भी स्ट्रांग हो सकती थी। उसके बाद दोस्तों नेटालिस कीपर 12, एमी जोन्स 15, फ्रैन विल्सन 6, विनफील्ड 11, सोफिया एक्लिस्टोन 3, सारा ग्लेन 11, फ्रेयर डेविस 2 और कैटे क्रॉस 0 रन की भी थी। एक बात और याद रखना, इस मैच में टॉस का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब पूछोगे राजा भाई ऐसा क्यों, तो यहाँ पे अगर इंग्लैंड ओमैन टॉस जीतती है तो आपके लिए एमी जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाएगी। अगर दोस्तों इंग्लैंड ओमैन सेकंड बैटिंग करती है तो शायद एमी जोन्स उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए ना हो। बात कर लेंगे न्यूजीलैंड ओमैन की गेंदबाजी में, तो यहाँ से जेस्कर ने 2 विकेट ली थी, इसके अलावा सोफिया डिवेन ने 2 ली थी, हेले जॉनसन 1, एमिला कर 4 विकेट, ब्रूक हैलीडे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे भी 2 ओवर इन्होंने डाली है। बात कर लेंगे यहाँ से न्यूजीलैंड ओमैन की, तो एमी सेथर वाइट ने 119 रन की पारी खेली थी। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछोगे ना कि ओमैन मैच में सबसे डैशिंग प्लेयर कौन सा लगता है, तो आपको बता दूं एमी सेथर वाइट उनमें से एक है। और आपको एक और न्यूज़ दे दूं, एमी सेथर वाइट और आपको बता दूं एल तहुहू, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, मीन्स दोनों ने अपने मतलब न्यूजीलैंड में, पता नहीं इंडिया में है कि नहीं, इन दोनों ने आपस में शादी की है, एमी सेथर वाइट और एल तहुहू, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ से, नटालिस कीवर ने 1 विकेट लिए, एफ डेविस ने 1, कैटे क्रॉस 1, एक्लिस्टोन 0, टीम के सबसे बेस्ट गेंदबाज में से एक है, सारा गिलन 0 और हैदर नेट यहाँ से कुछ खास प्रदर्शन नहीं की थी। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ से मैच नंबर 2 की, जहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड ओमैन ने फेंटी लगा दी थी किसको, न्यूजीलैंड ओमैन को। वहाँ पर कैसा किसका प्रदर्शन रहा था उसको लेके हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों
दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करती हुई न्यूजीलैंड वुमेन ने खड़ा किए थे 192 रन, जहां पे एन डॉट 2, हेली जॉनसन 0, 70 वाइट 13। हेली जॉनसन का बैटिंग पोजिशन याद कीजिए, ओपनिंग कर रही है वो। इसके अलावा सोफिया डिवाइन 6 रन की थी, साथ में मिलाकर 2 कैटी मार्टिन, 17 ब्रूक हैलीडे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ब्रूक हैलीडे के ऊपर 60 रन इन्होंने किए 80 बॉल में, और दोस्तों तब 60 की थी जब अपने पिक टाइम पे चल रही थी कौन, सोफिया एक्लिस्टोन। एक्लिस्टोन के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी। अगर आप लोगों ने ये मैच खेला होगा तो आप लोगों को बहुत कुछ याद होगा। इसके अलावा हन्ना रॉबे 29 की थी, इसके अलावा मैडी ग्रीन 14, जेस्कर 28, फॉर एफ जोन्स 0। बात कर लेंगे गेंदबाजी में तो कैथरीन ब्रंट 2 विकेट, नेटालिस कीवर 3, इसके अलावा कैटी क्राउस 1, सारा ग्लेन 2 और एक्लिस्टोन विकेटलेस गई थी। बात कर लेंगे बल्लेबाजी में तो टेमी भी 172। डेनियल वाइट लगातार फ्लॉप चल रही थी ओडिया में, तभी इनको ड्रॉप किया गया था। फिर दोस्तों इन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन किया, इंटरनेशनल T20 में अच्छा प्रदर्शन किया, फिर इनको जो है ओडिया में इंक्लूड किया गया है। हैदर नेट 8 रन की थी, नेटालिस कीवर 63, एमी जोन्स ने यहाँ से 46 की थी। बात करें गेंदबाजी में तो किसी ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था न्यूजीलैंड वुमेन का। एक नाम फिर से सामने निकल के आता हुआ है दोस्तों, ब्रूक हैलीडे 4 ओवर 18 रन 1 विकेट, और यहाँ से जेस्कर ने 1 विकेट ली थी। अब डेथ गेंदबाजी कौन करती है दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से, आप लोग को दिख जाएगा डेथ में। एक तो लीग कैस्पिरक कभी भी गेंदबाजी कर लेती है, वो डेथ रे बीच रे कभी भी वो गेंदबाजी करती है। एक सोफिया डिवाइन के साथ आप लोग को शायद डेथ में गेंदबाजी करते हुए हेली जॉनसन या फिर जेस्कर आप लोग को दिखाई दे सकता है। आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ से मैच नंबर 3 की, जहाँ पे दोस्तों आई थिंक न्यूजीलैंड वुमेन फिर से हार गई थी, और यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन ने 8 विकेट से फिर से मात दी थी किसको, न्यूजीलैंड वुमेन को। न्यूजीलैंड वुमेन बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे खड़ा किए थे 178 रन, जहाँ पे दोस्तों हेली जॉनसन ने 53 की नौ खेल दी थी। इसके अलावा 70 वाइट कुछ खास नहीं, सोफिया डिवन 16, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से ब्रूक हैलीडे। भाई नाम याद कर लो, कितना लाजवाब खेल रही है, 50, 55, 60 इसका तो जैसे बैटिंग में मान लो कि फिक्स ही कर रही है, और गेंदबाजी से भी आपको थोड़ा बहुत पॉइंट निकाल के दे सकती है। गेंदबाजी में बात कर लेंगे इंग्लैंड वुमेन की तरफ से, तो यहाँ से कैथरीन ब्रंट 1 विकेट, एक्लिस्टोन 2, फिर नेटालिस कीवर 1, सारा ग्लेन 1, हैदर नाइट 1। तो दोस्तों आप लोग के लिए हैदर नेट भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और चेसिंग के टाइम तो दोस्तों इनका रिकॉर्ड बहुत ही लाजवाब रहा है। फिर बात कर लेंगे इधर गेंदबाजी में, तो हेली जॉनसन ने 1 विकेट ली थी, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ब्रूक हैलीडे फिर से गेंदबाजी करने आई थी, 2 ओवर 5 रन 0 विकेट, एल तहू 6 ओवर 38 रन 1 विकेट। दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं अपने ड्रीम इलेवन टीम की, उससे पहले दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा काम कर लेना है। दोस्तों आप लोग को वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रॉल कर लिए होगी। आपको उसके बाद क्या करना है ना, यहाँ पर दिख जाएगा आप लोग को सब्सक्राइब, तो भाई बिना किसी टाइम लिए आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने के बाद दिख जाएगा बेल आइकन, बेल आइकन पर दबा के आप लोग को ऑल कर लेना है। साथ में यहाँ पर दिख जाएगा आप लोग को लाइक, तो भाई ये दो काम आप लोग लाइक भी कर दोगे, सब्सक्राइब भी करके रख लोगे, जैसे मैं कोई वीडियो दूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, ये आपके लोगों के लिए बेटर होगा। तो अभी दोस्तों आप लोग ये दो काम करके रख लीजिए, तो रख लिए ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आप लोग को क्या करना है, कमेंट सेक्शन पर जाके क्लिक कर देना। जैसे आप कमेंट सेक्शन पर जाके क्लिक करोगे, आपको दिख जाएगा सबसे टॉप में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। सभी वीडियो के दोस्तों सबसे टॉप में आप लोगों को यही दिखेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मैं लास्ट के 7 या 8 मिनट में आप लोगों को कैप्टन भी चीज़ है वीडियो के पहला कमेंट में ही दे देता हूँ, तो इसको जाके आप लोगों को देख लेने हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना ड्रीम इलेवन का टीम। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस मैच में आप लोगों को ड्रीम इलेवन पे अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये मैच में थोड़ी सी क्रेडिट का इशू है, तो अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेलते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को टीम प्रोवाइड करवाता हूँ, बट याद रखिएगा आपके लिए ये मैच दूसरे एप्लीकेशन पे और बेटर हो सकता है। विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, एमी जोन्स, कैटी मार्टिन। कैटी मार्टिन नंबर 5 नंबर 6 पे बैटिंग करने आएगी, बेहतरीन टैलेंटेड बैट्समैन है, एमी जोन्स भी लाजवाब बैट्समैन में से एक है। और देखो भाई दोनों मैडम हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों मैडम कुछ बड़े इस मैच में करने के लिए तैयार है, और मैं यहाँ से प्रीफर करूंगा फिलहाल के लिए अपने टीम में एमी जोन्स को। अगर कैटी मार्टिन के दोस्तों यहाँ से पहले बल्लेबाजी आती है, मीन्स एमी जोन्स अगर चेस करने जाएगी, तो शायद मैं उसको अपनी टीम से ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन उस कंडीशन में मैं अपनी टीम में लेकर जाऊंगा हैदर नेट को। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ने अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो, क्योंकि आफ्टर टॉस बहुत सारे समीकरण बदलता है। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप लोगों को छोटा सा काम करना, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, सबसे टॉप कमेंट में दिखेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जहां पर ऑलमोस्ट अभी 70,000 मेंबर ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। विकेट कीपर सेक्शन में फिलहाल मैंने एमी जोन्स को ट्रैक किया है, बैटिंग में बात कर लेंगे तो यहां से मुझे हैदर नेट चाहिए,
लेकिन दोस्तों मुझे ड्रीम इलेवन पे आ रहे हैं क्रेडिट का इशू, इस वजह से मैं हैदरनेट को ट्राई नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल मैंने 70 वाइट के साथ टैमी बियामोन को अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ से जगह दिया हुआ है या तो डेनियल वाइट को या दोस्तों ब्रूक हैलिडे को। अगर मन की सुनू तो दोस्तों ब्रूक हैलिडे को साथ जाने का मन कर रहा है, इसका स्टेट्स लाजवाब है। उससे पहले तो आइए हम लोग बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, सोचना नहीं है चारों को ट्राई कर लेने हैं। बॉलिंग में बात करेंगे दोस्तों, क्यों मैंने बोला चारों को ट्राई कर लो भाई, चारों आपको अच्छा खासा बैटिंग में देगी। कैथरीन मंट नीचे आती है बट अगर इनका बैटिंग आता है तो आपको बैटिंग से भी स्कोर करके देगी और चारों अपनी टीम से दोस्तों ऑलमोस्ट डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगी। बात करेंगे बॉलिंग में तो एक्लिस्टोन लीग कैचप्रेस ये दोनों आप लोग के लिए अच्छी पिक बन जाएंगी। बाकी अन्य सुरेप सोले को आप लोग तब ट्राई कर सकते हो जब इंग्लैंड ओमैन की पहले बल्लेबाजी आए, क्योंकि दोस्तों उस कंडीशन में आप सुरेप सोले से 20-25 रन बल्लेबाजी में भी उम्मीद लगा के चल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो एल तहू को ट्राई कर सकते हो जो कि मिनी जीएल जीएल में अच्छी खासी पिंक बन जाएगी। उसके अलावा दोस्तों आप लोग चाहो तो सारा ग्लेन को ट्राई कर सकते हो। इंग्लैंड ओमैन जब दोस्तों चेस करने जाएगी तो शायद ये यहां पे जो है फर्स्ट इनिंग में आपको अच्छा खासा विकेट निकाल के दे सकती है और इनसे थोड़ा बहुत आप दोस्तों अगर मान लो इंग्लैंड ओमैन की पहले बल्लेबाजी आए तो आप लोग रन की भी उम्मीद लगा के चल सकते हो। मैंने दोस्तों यहां से फिलहाल के लिए ट्राई किया हुआ कैटे क्रॉस को, बट याद रखना दोस्तों फाइनल टीम में हो सकता है कि कैटे क्रॉस की जगह पर मैं सुरेश सोले या फिर यहां से सारा ग्लेन को ट्राई करते हुए दिखाई दे जाऊं। अब मेरे पास 8.5 क्रेडिट है, मैं चाह के भी हैदरनेट को ट्राई नहीं कर पा रहा हूं जो कि दोस्तों मेरी टीम में ऑलमोस्ट है कि हैदरनेट स्टिक करने वाली है। फिलहाल मैंने दोस्तों यहां से डेनियल वाइट या फिर ब्रूक हैलिडे में से मैंने फिलहाल अपनी टीम में डेनियल वाइट को लेना उचित समझा है। ये मेरा टीम प्रीव्यू है सभी एप्लीकेशन के लिए फिलहाल, जहां पे मैंने विकेट कीपर सेक्शन में एमी जोन्स को ट्राई किया, फिर टैमी बियामोंट को, डेनियल वाइट को, सेथर वाइट को, कैथरीन वंट, नटालिस कीवर, सोफिया डिवेन, हेले जॉनसन, एक्लिस्टोन, कैस्पिटक और कैटे क्रॉस को मैंने अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। अगर दोस्तों कैप्टन वीसी की बात कर लो तो कैप्टन जो मेरे नज़र में फिलहाल के लिए फिट बैठ रही है वो दोस्तों यहाँ से नटालिस कीवर, और दोस्तों अगर हम बात कर लेंगे वाइस कैप्टनसी की तो वो दोस्तों मेरे फिलहाल बन रहे हैं यहाँ से सोफिया डिवेन। अब सुनिए आप लोग के पास ऑप्शन क्या है, इस दोनों को अपोजिट कर सकते हो, पहला ऑप्शन ये बन जाएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ से एमी सेथरवाइट और हेले जॉनसन, कैथरीन वंट, एक्लिस्टोन, ये चार आपके लिए अच्छे कैप्टन वीसी की पिक बन जाएंगी। कैप्टन आपको सेम रखना है नटालिस कीवर को या सोफिया डिवेन को, मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर इंग्लैंड ओमैन की पहले बल्लेबाजी आए तो दोस्तों आप लोग सोफिया डिवेन के साथ जाओ तो जा सकते हो, लेकिन मैं जाऊंगा यहां से नटालिस कीवर को कैप्टन देके और सोफिया डिवेन को मैं फिलहाल यहां से वीसी दे रहा हूं और ये मेरा फाइनल टीम है ड्रीम इलेवन के लिए। बाकी जितने भी आप होंगे दोस्तों चाहे हम बात कर लेंगे विजन इलेवन, रियल इलेवन, इलेवन चैलेंजर्स स्पोर्ट्स ही, या फिर दोस्तों आप किसी और ऐप पे खेल रहे हो फैंटेसी पावर इलेवन जैसे किसी ऐप पे, तो वहां पर दोस्तों आपको कुछ ऐसा टीम ट्राई करना है। तो दोस्तों मेरा विजन 11 पे टीम कुछ बन रहा है ऐसा, जहाँ पे दोस्तों मैं ट्राई कर रहा हूँ कैप्टेंसी के लिए यहाँ से नटालिस कीवर को, वीसी मैंने सोफिया डिवन को दिया हुआ है और ये दोस्तों मेरा फाइनल टीम है ड्रीम 11 के अलावा सभी एप्लीकेशन के लिए फिलहाल बन रहा है। बाकी दोस्तों इस टीम में जो भी चेंजेस होगा उसका अपडेट्स मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना चाहो तो सर्च कर सकते हो @PredRaja123। जी हाँ दोस्तों स्पेलिंग एक बार आप लोग देख लें, जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपको एक चैनल दिखेगा 70K वाला, वहीं पे आप लोग को ज्वाइन होना है। इसके अलावा बहुत सारे फेक चैनल भी दिखेगा मेरे नाम से, फेक चैनल से दोस्तों आप लोग को बिल्कुल नहीं जुड़ना है। जैसे आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको जैसे मान लो कि मैं क्लिक करता हूँ, ध्यान रहे कि आप लोगों को जो मैंने बोला है कि 70K के आसपास वाला चैनल होगा वहीं पर जुड़ना है, इसके अलावा आप लोग को कहीं और नहीं जुड़ना है। बाकी दोस्तों मैं जिस भी ऐप पे खेलता उसको मैंने ऊपर पिन करके रख दिया, इसके ऊपर आप लोग जाके क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे जो भी आपको ऐप पे खेलने का मन करे खेल सकते हो। साथ में एक्सचेंज 22 पे दोस्तों मैंने आप लोग को बोल रखा है कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप यहाँ पे अच्छा खासा इनकम कर सकते हो, इसका डिटेल्स वीडियो भी मैंने दे रखे हैं। बाकी मैं आफ्टर टॉस आप लोगों को कोशिश करूंगा कि अब जो एक्सचेंज 22 में एक समझो कि अपडेट आया है कि आप टॉस के बाद भी बाय सेल मल्टी वेगर कर सकते हो, तो दोस्तों मैं अपना पिक देने का कोशिश जरूर करूंगा। इसके अलावा अगर आप फ्री रहते हो कभी तो जाइए लूडो ऐप पे लूडो खेलिए और अच्छा खासा यहाँ से अर्न कीजिए। बाकी उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जो YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया किस बात की देरी है, जाके सब्सक्राइब कर दो। और मैं दोस्तों आप लोगों से सॉरी बोलूंगा कि मैं इस बीच में वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए तहे दिल से सॉरी कहता हूं, बट उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आगे आप लोग के लिए मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा।